जब ओपीएस लागू हुई तो हम तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में थे नहीं, सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे वीरभद्र सिंह जी, और हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया था, और कांग्रेस पार्टी जी आज भी वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही वोट मांग रही है, क्योंकि वर्तमान में किसी नेतृत्व में इतना दम नहीं है जो प्रदेश सरकार में प्रदेश में पूरे प्रदेश पर में अपने बलबूते वोट मांग सके। लेकिन कांग्रेस के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस नेतृत्व ने, जिसके प्रति उनका भी सम्मान है निश्चित रूप से, उन्होंने जब उस निर्णय, इस प्रकार का निर्णय लिया, तो 20 सालों के बाद इस निर्णय पर प्रश्न खड़ा करने की जो है वो क्या जरूरत पड़ी। सिर्फ महज राजनीतिक मकसद से कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयत्न किया जाता है।